Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel. Previous video में मैंने आपको बताया था कुछ materials के बारे में जो कि drawing के लिए use होते हैं. उसमें से एक material minus होता है sharpener, जो कि मैंने कहा था कि आपने craft knife लेनी है, उससे अपनी pencil को sharpen up करना है आपने. अब question ये है कि why craft knife and why not cutter? So मैं आपको difference दिखा देती हूँ एक blade में जो कि craft knife का है और एक blade जो कि कटर का है. ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस राइट है. फोकस हो जाए बस किसी तरह. ये एक क्राफ्ट नाइफ का कितना थिक है और एक कटर का कितना थिन है. क्यों कटर का थिन क्यों होता है? कटर इज मेड फॉर पेपर कटिंग. ठीक है, आई एम श्योर आप अभी 10 कोई चार्ट पेपर्स काट के एक ही फ्लो में काट के देख लें एक ही वक्त में, आपका फ़ौरन जो है टिप टूट जाएगी. ठीक है, इवन दो जो कटर के पीछे ये लगा हुआ होता है इसके अंदर एक गैप है, उसको आप पकड़ के ऐसे करें तोड़ें तो वो एक नया कटर निकल के आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर इन्होंने स्पेस दी हुई है तोड़ने की. लेकिन इतना ज़्यादा ये फिजिबल नहीं है, ड्यूरेबल भी नहीं है ज़्यादा, जल्दी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है एंड ऑल दैट. तो उसके लिए जो है फिर मैंने इसलिए आपको कहा कि एक क्राफ्ट नाइफ ले लें. अब क्राफ्ट नाइफ जब आप ख़रीदते हैं तो उसके एक क्राफ्ट नाइफ होती है, ठीक है, उसके अंदर ब्लेड ऑलरेडी लगा होता है, लेकिन एक केस मिलता है जिसके अंदर 25 एक्स्ट्रा ब्लेड्स पड़े हुए होते हैं. ठीक है, मैंने मुझे एक साल हो गया इसको लिए हुए, ठीक है, और लाइक अभी तक मैंने एक ही ब्लेड डिस्पोज ऑफ किया है. और उस केस के अंदर डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी उन्होंने एक हिस्सा बनाया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली आप कटर को ऐसी कहीं फेंक देंगे तो आपके घर में जो भी कूड़ा उठाता है, आपका डस्टबिन साफ करते हैं, उनको ना कहीं लग जाए, या बाहर आप किसी को देते हैं तो जो कूड़े वाले होते हैं उनको ना लग, क्योंकि ये अच्छी खासी शार्प नाइफ है. लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग. सो चेंज करने के लिए अगर करना होता है, ये खोला आपने, ब्लेड निकल के बाहर आ जाता है, यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हेयर डिस्पोज ऑफ करने के लिए. नया ब्लेड निकाला, उसको ऐसे डाला, टाइट किया ताकि वो ग्रिप अच्छी हो जाए, निकल के बाहर ना आ जाए. ठीक है, फिर उसको कैप अप कर दिया. अब पेंसिल कैसे शार्प करते हैं, हम सोरा थोड़ा साइड पर रख देते हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि फोकस सिर्फ पेंसिल पर हो जाए. अच्छा, अब पेंसिल कैसे शार्प करते हैं, आपके पास ऑलरेडी शार्पन पेंसिल होती है, ठीक है, पहले हमने इसको हटाना है, ये जो एरिया, ठीक है, ये ठीक है, इन चीज़ों को हम बिल्कुल हटा देंगे. ठीक हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर वाले हिस्से को खाली करना है. ठीक है, इसको हटा के आपको नीचे अपना सिक्का नज़र आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसको हमने करते जाना है. एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा है ताकि मैं आपको दिखा दूँ सही तरह. अभी तो ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मुझे कि मेरा इतना ज़ोर से हिलाने में फ़ोन ना गिर जाए, वरना ये 2 सेकेंड का काम होता है. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपने उतारते जाना है, उतारते जाना है, उतारते जाना है. ठीक है, दिस इज़ हाउ इट्स डन. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ही निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास अभी टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको ज़्यादा दिखा सकूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी उससे. तो इस तरह से निकालते हैं. ठीक है, फिर आपने वो सैंड पेपर लेना है, उससे अपनी जो है पेंसिल को शार्प करना है. ठीक है, अच्छा, अब ये वो पेंसिल है जिससे मैं मोस्टली काम करती हूँ. आपने इस तरह से अपना सारा निकालना है सिक्का. अब सिक्का निकल आया, आपने थोड़ा सा नीट कर लिया यहाँ से जो आखिरी आखिरी एरियाज पे रह गया. ठीक है, ये आपने नीट कर लिए सारे एरियाज. ठीक है, थोड़ा सा जो एक्सेसिव रह गया उसको आपने नीट कर लिया. ठीक है, ये सारी वुड लैदा हो गई. ठीक है, अब इसको ऑब्वियसली अब ये ऑब्वियसली बहुत थिक सिक्का है अभी कि ये देखें काफ़ी ज़्यादा थिक लाइंस बन रही हैं इससे. ठीक है, इसको कैसे करना है, छोटे ग्रेन्स वाला सैंड पेपर लेना है, क्योंकि सैंड पेपर की भी
कुछ शायद 3 एग्ज़ाम होती हैं, एक होता है मोटे ग्रेन्स वाला होता है, एक नॉर्मल होता है और एक प्रिसाइज ग्रेन्स वाला होता है। आपने प्रिसाइज ग्रेन वाला लेना है ताकि आपकी जो पेंसिल का सिक्का है वो स्मूथ का स्मूथ ही रहे। चलें अब करते हैं इसको, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू होल्ड इट सो दैट सिक्का ना टूटे, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये देख कितना खूबसूरत सिक्का निकला। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे वाले में क्या फ़र्क था। ये देखें, यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दैट वन, देख रहे हैं आप डिफरेंस कितना ये डार्क है, कितना ज़्यादा सिक्का यूज़ कर रहा है ये, और कितना ये लाइट है, कितना प्रिसाइज्ड है और कितना स्मूथ है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट, ठीक है। ज़रूर ट्राई करें ये अपने घर में, ड्राइंग करने से पहले ज़रूर ट्राई करें आपने क्या करना है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू यूज़, ठीक है। ये ब्लेड्स, ब्लेड ही ले आती हूँ, ब्लेड्स यूज़ करने हैं, ये पेंसिल हो गई आपकी, ये आपके, ये अब आपका मटेरियल है जो कि आपने यूज़ करना है। मैंने आपको तरीका ही बता दिया और मैंने आपको ये भी बता दिया है वाई नॉट कटर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।